अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाएंगे फ्रेंच बीन ग्रेवी विद ग्रेवी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। और उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, ये है सूखे खोपरा, उसको हमने घीस लिया है, लहसुन 4-5 कली और अदरक 1 टुकड़ा ज़रा सा, और अखी धनिया और प्याज, और साथ में हमने टमाटर लिया है, किचन किंग मसाला, हल्दी और कश्मीरी मिर्ची, और गार्निश करने के लिए हरा धनिया। पहले हम मसालों को रोस्ट करेंगे। ये देखिए, ये सूखा खोपरा जिसको हमने घिस लिया है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे धीमी आंच पर। आप ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ताकतवर ये सब्ज़ी है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना, वरना ये खोपरे की स्मेल आएगी। ये सूखा खोपरा है और ये सारे मसाले अब हमको उसी में भूनना है खूब अच्छी तरीके से। ये 2 हरी मिर्ची को भी हमने काट के बीच से उसको भी फ्राई कर लिए, बहुत अच्छी तरीके से भुनी, जब तक वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो उसमें धनिया भी भून जाएगा हमारा, लहसुन भी, सारे मसाले ऑलरेडी पहले ही मतलब हमारे भून जाएंगे। और इस तरीके से आप बनाइएगा, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। सिंपल तरीके से तो हम लोग बनाते ही हैं, बट ये तरीका मुझे ज़्यादा पसंद है, और क्योंकि टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है, और ताकत से भरी सब्ज़ी है। और अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, 2 बड़े टमाटर है क्योंकि हमको ग्रेवी बनाना है। इसको सॉफ्ट होने तक हम भूनेंगे टमाटर को भी, और उसके बाद हम इसको फाइन पेस्ट, एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे, बट ठंडा होने के बाद, गरम गरम नहीं पीसिएगा। आजकल आप लोग शायद मेरा वीडियो पूरा नहीं देख रहे हो, कहीं कमी कुछ हो जा रही है शायद, तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या कमी है। ये देखिए, पूरा बहुत ही अच्छे से ये भून गया, ये सॉफ्ट हो गया है, और बहुत जल्दी से फाइन पेस्ट, एकदम बारीक पेस्ट हो जाएगा, बस ये ठंडे होने की देरी है इसको। और इसी पैन में हम अब सब्ज़ी को पकार देंगे। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी, किचन किंग मसाला और रेड कश्मीरी मिर्च, और बघार के लिए कड़ी पत्ता लिया है और ज़ीरा, वही फ्राई पैन में, फ्राई पैन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हमने तेल लिया है, ये थोड़ी सी भुनी हुई ग्रेवी, मतलब थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी रहेगी, इसलिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगा है। ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से हो गया है कड़ी पत्ता हमारा। अब हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया है 1 टेबल स्पून। बस इसकी बगार में हमने 2 ही चीज़ डालना है। अब जो हमने पेस्ट पीसा है, अब हम उसमें ये ऐड कर देंगे। जार को हमने अच्छे से उसको क्लीन करके, थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने फ्राई पैन में डाल दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मसाला तो भुना हुआ ही था, फिर भी हम इसको भूनेंगे। ये मसाले जो सूखे पीसे हुए हैं, ये मसाले भी हम इसमें ऐड करके 5 मिनट धीमी आंच पर अब हम इसको भून लेंगे, ताकि ये जो सूखे मसाले हैं उसका कच्चापन चले जाए, और थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, तो मतलब हमारे मसाले भून गए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से उसको भूनिए, क्योंकि कच्चापन रहेगा तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा, हल्दी की स्मेल, लाल मिर्ची की स्मेल, और वो किचन किंग मसाले की स्मेल। मैंने ना फर्स्ट टाइम यूज़ किया किचन किंग मसाला, हमेशा हम हमारे घर में पिसा हुआ ही गर्म मसाला डालते हैं, बट इस बार हमने सोचा कि चलिए टेस्ट करते, बट वाकई में बहुत ही टेस्टी है। आप भी यूज़ करिए, अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा तो यूज़ करिए, बहुत ही टेस्टी मसाला है, उसका टेस्ट ही अलग है एकदम। ये देखिए, इतनी ही बड़ी फ्रेंच बीन आप काटिए, बहुत अच्छी लगती है। कलर देखिए माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलर आया है।
और अब इसमें हमने सब्ज़ी ऐड कर दिया है। अब इसको हम धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएंगे या सब्ज़ी अब तक आपकी गल जाए। 10 मिनट में तो आराम से सब्ज़ी गल जाएगी, ये कितनी हार्ड नहीं होती है, बहुत जल्दी गल जाती है, 10 मिनट में गल जाती है सब्ज़ी। हमें ये सब्ज़ी पहले पसंद नहीं थी, बट हमने कई हॉस्पिटलों में देखा कि उन लोग लंच में डिनर में ये सब्ज़ी ज़रूर देते हैं, बट वो तो बॉइल जैसी रहती है, उसमें टेस्ट नहीं रहता है। फिर हमने सर्च किया गूगल पे कि क्या मतलब इसमें ताकत है, इसमें बहुत ताकत है, इसीलिए तो पेशेंट को दिया जाता है। तो हमने भी अपने घर में ये बनाना शुरू किया अपने स्टाइल में, ये मेरा स्टाइल है। तो वाकई भी बहुत अच्छी लगी मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को भी, और इवन मेरी मम्मी को भी मैंने बनाया था एक बार, मम्मी को भी बहुत पसंद आई सब्ज़ी ये वाली। जब मम्मी हमारी बीमार थी तब हमने ये सब्ज़ी बनाया था, उनको भी बहुत अच्छी लगी थी। और इवन हमने दाल का सूप बनाया था, उसमें भी हमने ये चीज़ ऐड की थी फ्रेंच बीन, हमारी मम्मी को बहुत अच्छी लगी थी ये सब्ज़ी। ये देखिए बहुत ही अच्छी ग्रेवी वाली मसाले वाली सब्ज़ी हमारी बन गई है। आप इसको अपने मन से भी कोई नाम दे सकते हो, करी बोल सकते हो, फ्रेंच बीन करी, फ्रेंच बीन मसाला, फ्रेंच बीन सूखा, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। देखिए कितनी खूबसूरत है, उतने ही खाने में टेस्टी थी जितनी खूबसूरत खा दिखने में है। और कम से कम 10 साल के बाद हमने मेहंदी ट्राई किया है, पहले तो हम लगा ही लेते थे, तो हमने कहा सोचा कि चलिए आपसे भी शेयर करते, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला है ना, जहाँ देखो वहाँ मेहंदी का ही आता है, या तो यूट्यूब देखो या तो टिकटॉक देखो, आप मोस्टली आपको मेहंदी ही मिलेगी, वो भी ये बॉक्स टाइप। तो हमने सोचा चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी हम शेयर करते हैं हमारी ये कला। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए और बताइएगा कि हमारी मेहंदी का डिज़ाइन ये अच्छा है या नहीं, कमेंट करके। अल्लाह।